व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं एच ब्लॉक सीट नंबर 35 स्वागत गार्डन इस्लामाबाद। व्यूअर्स आप ये घर देख रहे हैं, इसका अपना एलिवेशन है। ये इसका मेन स्लाइडिंग गेट जिसको के वुडन टच दिया गया है। ये इसकी छोटी सी ग्रीन एरिया की क्यारी। ये इसका व्यूअर्स आ गया है गैराज, जिसमें आप दो गाड़ियां बड़े आराम से पार्क कर सकते हैं। ये इसकी सीलिंग जो काफी अच्छी बनी हुई है। ये इसकी पानी की मोटर और वाटर टैंक। ये इसका ड्राइंग रूम का डोर, ये मेन एंट्रेंस और ये फर्स्ट फ्लोर का इंटरेस्ट है। इसमें एक फ़ायदा ये भी है, अगर आप इसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो ये इसके लिए बिल्कुल एक सेपरेट दरवाज़ा होगा। जैसे हम चलते हैं अब इसके अंदर। ये फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ, जैसे ही हम इसके अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले टीवी लॉन्च, फिर आपको इसकी मीडिया वाली गेट, इसकी मीडिया वर्क देखिए। और इसके साथ आपको ये एक ओपन किचन मिलेगा। जिसको ब्लैक एंड मैरून कलर दिया गया है। आप इसकी रूफ देख सकते हैं, सीलिंग। ये इसका हुड, ये इसका चूल्हा और ये इसका वॉशिंग एरिया। फ्लोर पे 3x3 की टाइल का इस्तेमाल किया गया है। आवाज आते हैं हम इसके फर्स्ट बेड की तरफ। ये दरवाजा जो पीछे से हमने खुलता है, ये एक बड़ी सी वेंटिलेशन विंडो। ये इसकी एक काफ़ी बड़ी अलमारी। वही तक सबसे अच्छी चीज़ है, इन्होंने एक ड्रेसिंग के लिए भी मिरर दिया है। चलते हैं इसके बाथरूम की तरफ। इसमें एक वॉश बेसिन, कमोड और शावर। ये सामने एग्जॉस्ट और इसके साथ वेंटिलेशन विंडो। अब चलते हैं हम इसके दूसरे बेड की तरफ। वेंटिलेशन विंडो, इसकी सीलिंग जो कि सीलिंग का काम इन्होंने काफी अच्छा करवाया हुआ है, फिनिशिंग भी काफी अच्छी है। ये सामने वॉलपेपर, यहाँ पर आपका बेड आ जाएगा कि जो कि बहुत अच्छी लुक देगा। यहाँ भी काफी बड़ी अलमारी दी है जिसमें कि आप अपने कपड़े वगैरह इसलिए आसानी रख सकते हैं।
बस ये इसका वॉशरूम है, इसमें से हमने वैनिट दी गई है। एक मोट और इसी तरह शावर, इसकी वेंटिलेशन विंडो प्लस एग्जॉस्ट। बस अब हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। वेंटिलेशन विंडो, सीलिंग, सीलिंग वर्क बहुत अच्छा सीलिंग वर्क हुआ है इधर। ये इसकी बड़ी इसी अलमारी कपड़ों की, और ये इसका वॉशरूम। इस वॉशरूम का एक दरवाजा इन्होंने गैरेज में भी दिया हुआ है। अब चलते हैं हम इसके ड्राइंग रूम की तरफ। बस ये आ गया है ड्राइंग रूम। हम ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं। बस ये ड्राइंग रूम से रास्ता टीवी लॉन की तरफ। सीलिंग वर्क जो है वो बहुत अच्छा हुआ। इसके वेंटिलेशन विंडो, इसका डोर, अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। व्यूअर्स, ये इसके फर्स्ट फ्लोर का रास्ता, सीढ़ियां। सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये सीढ़ियां ऊपर छत की तरफ, ये इनकी मेन एंट्रेंस, और ये ड्राइंग रूम, और ये इधर आपका बाय टेरेस। इसका हम विजिट बाद में करेंगे, पहले हम चलते हैं टीवी लॉन्च की तरफ। वजीर का अच्छा सा फानूस भी लगा है। वजीर आगे इसकी मीडिया वॉल, इसका दरवाजा ड्राइंग रूम की तरफ। हम ड्राइंग रूम में दाखिल होते हैं, इसी दरवाजे से चलते हैं। वेंटिलेशन विंडो, और इसका वो दरवाजा जो कि सीलिंग से ऊपर आते हैं वहां पे। इसकी सीलिंग, अब चलते हैं हम इसके किचन की तरफ। नीचे और ऊपर किचन बल्कि सब कुछ बिल्कुल सेम बना हुआ है। इसका भी हम आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं।
ये दरवाजा पीछे छोटे से टेरेस पे खुलता है। सामने उसी तरह ड्रेसिंग और ये इसका वॉशरूम। अब चलते हैं सेकंड बेड की तरफ। वेंटिलेशन विंडो, कपड़ों की अलमारी और बाथरूम। सामने वैनिटी आ गई, इधर कमोड, शावर। ये बस ये इसका थर्ड वॉश थर्ड बेडरूम। वेंटिलेशन विंडो, कपड़ों की एक बड़ी अलमारी और ये इसका वॉशरूम। ये इसका आ गया टेरेस। सामने खूबसूरत CNC ग्रिल जो कि बहुत अच्छी लग रही है। बिकॉज अब हम चलते हैं इसके छत की तरफ। ये छत की सीढ़ियाँ, हम इसकी छत पर पहुंच चुके हैं। बस ऊपर आपको एक सर्वेंट रूम भी मिलेगा। इसकी बैक सड़क पे कमर्शियल एरिया और उसके सामने ये आपको जहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं ये आपको एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद, जो कि आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं बिल्कुल आराम से। ये एक डाउन रूफ भी दिया है इन्होंने। यहाँ पे आप अपना बड़ा अच्छे तरीके से बारबेक्यू के लिए एक सेटअप बना सकते हैं बड़ा प्यारा सा। व्यूअर्स यहाँ पे मस्जिद भी आपको बिल्कुल करीब मिलती है, कमर्शियल एरिया मार्केट्स भी बिल्कुल करीब मिलती हैं और स्कूल भी बिल्कुल करीब मिलेंगे आपको। अच्छा तो व्यूअर्स आज की वीडियो को हम क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी।